क्या अक्षय कुमार की हर फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनना चाहते हैं जॉन अब्राहम? अब जिस तरह से माया नगरी के गॉसिप वाले गलियारों से खबर आ रही है उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है। हाल ही में फिल्म बाटला हाउस की सक्सेस को एंजॉय कर रहे जॉन अब्राहम के पास कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। सोर्सेज की माने तो जॉन को वेलकम का तीसरा और चौथा पार्ट ऑफर हुआ है और तो और आवारा पागल दीवाना का सीक्वल भी मिस्टर अब्राहम को ऑफर हुआ है। दोनों ही फिल्मों के पहले पार्ट में अक्षय कुमार थे और अब सीक्वल्स की लिस्ट में जॉन का नाम सामने आ रहा है। वेल, अभी इस खबर पर कोई ऑफिशियल मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीनन जॉन के फैंस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं होगी। फिर एक साथ नजर आ सकते हैं मलाइका अर्जुन। 28 अगस्त को होने वाले इवेंट में शिरकत कर सकते हैं इशक जादे। इस वक्त मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 28 अगस्त को मुंबई में होने वाले एक इवेंट के बारे में अपने फैंस को अपडेट कर रही हैं। 28th of August at the Club Andheri, you can go for this absolutely fantastic luxury shopping extravaganza that is being hosted for all you moms, and there of course there are loads of activities that you can do for your kids. कहा जा रहा है इस इवेंट में मलाइका के साथ साथ अर्जुन को भी इनविटेशन मिला है, यानी इस इवेंट में ये दोनों इशकजादे एक साथ नजर आ सकते हैं। इस समथिंग स्पेशल में इन प्यार के पंछियों के फैंस के लिए क्या कुछ स्पेशल होगा, ये हम आपको जल्द ही जरूर बताएंगे। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के लिंकअप की खबरें तो आए दिन आती हैं। दोनों को अक्सर साथ साथ स्पॉट भी किया जाता है, लेकिन अब माया नगरी के गॉसिप वाले गलियारों की माने तो दोनों स्टार्स एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं। सोर्सेज की माने तो सारा की मम्मी कार्तिक को काफी पसंद करती है। दूसरी तरफ कार्तिक एक छोटे शहर की कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते हैं। हाल ही में सारा कार्तिक के बीमार पापा को अस्पताल में देखने भी पहुंची थी। इसके बाद से कहा जा रहा है कि सैफ की लाडली ने मिस्टर आर्यन की फैमिली के दिल में जगह बना ली है। बताया जा रहा है दोनों अब अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेने लगे हैं। एक बार फिर राजनीति में हाथ आजमाने को तैयार हैं संजय दत्त। खबरें हैं 25 सितंबर को संजय दत्त राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 2009 में समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे संजय दत्त ने हाल ही में अपनी बहन प्रिया दत्त की रैली में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के सवाल पर कंफ्यूजन बरकरार रखा था, लेकिन अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता महादेव जानकर ने इस बात को शेयर किया है कि 25 सितंबर को बाबा अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं। वेल, संजू बाबा का फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रहा है। उनके पिता सुनील दत्त भी कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे। संजय की बहन भी कांग्रेस से 2019 लोकसभा इलेक्शंस में खड़ी हुई थी। पॉलिटिक्स में संजय की रीएंट्री कितनी कारगर साबित होगी, ये हम आपको जरूर बताएंगे। शूट आउट एट वडाला का बनने जा रहा है नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, माय नगरी के गॉसिप वाले गलियारों में गॉसिप तेज हैं कि डायरेक्टर संजय गुप्ता शूट आउट वडाला का तीसरा पार्ट बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पहले पार्ट को ऑडियंस ने बखूबी प्यार दिया था, जिसके बाद दूसरे पार्ट को रिलीज किया गया। दूसरे पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था। फिलहाल संजय गुप्ता, इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम स्टारर मुंबई सागा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग 27 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। वेल, गैंगस्टर थ्रिलर और बॉम्बे की कहानी को दिखाती फिल्म मुंबई सागा पर पिछले 4 सालों से काम चल रहा था और फाइनली अब शूट स्टार्ट होने जा रहा है। कैमरे के सामने बॉलीवुड सेलेब्स हमेशा आपको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन इन स्टार्स को हमेशा ही एक्टिव नजर आना पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड 2020 आपके लिए लेकर आया है हमेशा हंसती हुई जानवी कपूर का मायूस चेहरा। जानवी को एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया जहां वो काफी मायूस और गुमसुम सी नजर आई। पहले ऐसे कभी न दिखने वाली बोनी कपूर की लाडली की मायूसी की वजह आखिर क्या है, ये तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन जानवी का चेहरा साफ बता रहा है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। पेपराजी बार बार जानवी से पोज की गुजारिश करता रहा, लेकिन जानवी गुमसुम सी बस चुपचाप चलती चली गई। देश में मौका जश्न का हो और बॉलीवुड फर्टिनिटी पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भला। और तो और स्टार किड्स भी हर सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपटौदी खानदान के सबसे छोटे चश्मा चिराग को ही ले लीजिए। हमेशा एक्टिव रहने वाले तैमूर अली खान जन्माष्टमी के मौके को भी इंजॉय करते हुए नजर आए। दही हांडी फोड़ने के लिए तैमूर भी कमर कसते हुए हमारे कैमरे में कैप्चर हुए। इस मौके पर तैमूर के साथ उनकी सिस्टर इनाया भी मौजूद थी। दूसरी तरफ आमिर खान ने भी अपने बेटे आज़ाद के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। आमिर की वाइफ किरण ने आमिर और आजाद का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया। इन स्टार्स के साथ साथ बी टाउन स्टार्स शिल्पा शेट्टी, रौनक रॉय, राजकुमार राव, पत्रलेखा भी
की जन्माष्टमी मनाते नजर आए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों पति पत्नी और वो की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच खबरें हैं कि अनन्या ने अपनी तीसरी फिल्म काली पीली साइन की है। फिल्म में अनन्या के साथ ईशान खट्टर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि चंकी पांडे की लाडली पति पत्नी और वो की शूटिंग के साथ साथ ही काली पीली की शूटिंग करेंगी। शूटिंग सितंबर से शुरू होगी। ये एक अलग तरह की लव स्टोरी होगी जिसे अली अब्बास जफर के बैनर तले बनाया जाएगा। सोर्सेज की माने तो फिल्म को अली अब्बास जफर के एक असिस्टेंट डायरेक्ट करेंगे। हाल ही में बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया था कि फिल्म सड़क 2 का ऊटी स्केड्यूल कंप्लीट कर पूरी टीम मैसूर पहुंच गई है। और लीजिए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सड़क 2 के मैसूर स्केड्यूल से जुड़ी एक और बड़ी खबर। फिल्म का मैसूर स्केड्यूल भी रैपअप हो गया है और इस बात की जानकारी खुद पूजा भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके दी। वीडियो में फिल्म का क्रू पैकअप कर रहा है और अपना काम खत्म कर वैन में बैठकर घर के लिए निकल रहा है। पूजा भट्ट ने वीडियो के साथ कैप्शन में शूटिंग स्केड्यूल रैपअप होने की जानकारी दी। फिल्म सड़क 2 नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। बॉलीवुड की मुन्नी आजकल अर्जुन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं। हाल ही में मैडम ने लैक्मे फैशन वीक में अपना जलवा दिखाकर हर किसी से वाहवाही बटोरी और अब इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट कर भी मैडम काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। इस वीडियो में मलाइका दीवा योगा को प्रमोट करती नजर आ रही हैं। मलाइका यहां पर होने वाले योगा सेशन मेडिटेशन पीस हर चीज से रूबरू करवा रही हैं। इसके साथ मलाइका ने कैप्शन में लिखा, आई एम सो ग्लैड वी आर एबल टू मेक अ स्मॉल डिफरेंस इन सो मेनी पीपल्स लिव थ्रू योगा फिटनेस माइंडफुलनेस एंड बियॉन्ड। वेल मलाइका फिटनेस के लिए ना सिर्फ जिम में बल्कि योगा में भी कितना विश्वास रखती हैं इसका अंदाजा उनके इस वीडियो से लगाया जा सकता है। BWF वर्ल्ड चैंपियंस में बैडमिंटन के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को दो बार 21-7, 21-7 से शिकस्त दी है। हर तरफ से पीवी सिंधु को बधाइयां मिल रही हैं। बॉलीवुड सितारों ने भी पीवी सिंधु को ट्विटर के जरिए अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं। किंग खान ने लिखा, कंग्रेचुलेशन पीवी सिंधु फॉर विनिंग द गोल्ड एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप मेकिंग अस प्राउड एज अ नेशन विद योर एक्सेप्शनल टैलेंट। अनुपम खेर ने लिखा, कंग्रेचुलेशंस डियरेस्ट पीवी सिंधु फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन योर विक्ट्री मेक्स इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड सो सो प्राउड। इन स्टार्स के साथ तापसी पन्नू करण जौहर अनुष्का शर्मा सोनू सूद सुनील शेट्टी समेत तमाम सितारों ने पीवी सिंधु को बधाई दी। दबंग 3 को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है लेकिन फिल्म से जुड़ी हर डिटेल फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर रही है। अब ये तो हमने आपको बताया ही था कि खुद को फिट रखने के लिए भाईजान जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी को लेकर अब फिल्म के विलन और कन्नड़ एक्टर सुदीप किच्चा ने भी स्टेटमेंट दिया है। सुदीप ने बताया है कि सलमान इस एज में भी फिटनेस को लेकर काफी डिटरमाइंड हैं और यही चीज है जो मुझे भी जिम जाने के लिए इंस्पायर करती है ताकि मैं उनके सामने जो करना लगूं। सुदीप ने बताया कि सलमान ने जिम में सिर्फ एक महीने के अंदर अपनी रिप्ड बॉडी तैयार की है। और तो और फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर सुदीप ने कहा कि दोनों को बेयर चेस्ट फेस ऑफ होगा। जबरदस्त एक्शन सीन्स के बीच फैंस को काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। फिल्म का लास्ट क्लाइमेक्स शेड्यूल जल्द ही पूरा होने वाला है जिसमें दोनों शर्टलेस होकर फाइट करेंगे। हाल ही में रिलीज हुई कबीर सिंह के सक्सेस का जश्न मना रहे शाहिद कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे को लैक्मे फैशन वीक के एज अ गेस्ट शाहिद शिरकत करने के लिए अपनी वाइफ मीरा राजपूत के साथ जाते हुए कैमरे में कैप्चर हुए। इस दौरान शाहिद और मीरा की पेयरिंग ने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब की। हाथों में हाथ डाले शाहिद मीरा कपल गोल सेट कर रहे थे। रेड ब्लेजर विद शॉर्ट्स में मीरा काफी स्टनिंग लग रही थी। दोनों को साथ देख फैंस भी बोलने लगे, कबीर अपनी रियल बंदी के साथ। जी हाँ, जैसे ही दोनों की पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई दोनों को काफी तारीफें मिलने लगी और एक यूजर ने तो कबीर और उनकी रियल लाइफ बंदी को काफी अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ मीरा के बॉलीवुड डेब्यू के सवाल पर शाहिद सिर्फ मीरा की ही तारीफ करते नजर आए और जवाब देने से बचते नजर आए।
हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट से बाहर हो गया है दीपिका और प्रियंका का नाम। जी हां, हाल ही में फोर्ब्स ने अपनी 100 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट जारी की है, जिसमें पीसी और दीपू का नाम दूर दूर तक नहीं है। पिछले साल की ही तरह इस साल भी हॉलीवुड एक्टर स्कारलेट जॉनसन ने टॉप पोजीशन हासिल की है। स्कारलेट एक साल में 400 करोड़ के आसपास की कमाई करती है। सेकेंड नंबर पर सोफिया वगैरह है, जो 315 करोड़ पर ईयर कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें, हाईएस्ट पेड मेल एक्टर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार रहे हैं। दीपिका की फिल्मों की बात करें तो मैडम 2018 की शुरुआत में पद्मावत में नजर आई थी और उसके बाद अब वो छपाक में दिखाई देंगी। दूसरी तरफ पीसी भी 2018 में हॉलीवुड प्रोजेक्ट अ किड लाइक जेक और इजंट इट रोमांटिक में दिखाई दी थी। हालांकि दोनों एक्ट्रेसेस के पास एंडोर्समेंट्स की लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी दोनों ही नंबर वन एक्ट्रेसेस फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई है। कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर स्टारर पति पत्नी और वो की शूटिंग इन दिनों लखनऊ में चल रही है। फिल्म 1978 में आई संजीव कुमार की फिल्म की रीमेक है। हाल ही में भूमि पेडनेकर ने फिल्म से अपने फर्स्ट लुक को सोशल मीडिया पर रिलीज किया। साथ ही उन्होंने बता दिया कि फिल्म में उनका नाम वेदिका होगा। इस पिक में भूमि एथनिक लहंगा चोली पहने दिख रही है, लेकिन उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। उनके बालों में फूल लगा है। भूमि ने इस पिक को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ये लड़की चक्का जाम करवा दे, वेदिका पति पत्नी और वो। इससे पहले कार्तिक आर्यन भी अपने चिंटू त्यागी लुक के दीदार करा चुके हैं। फिल्म इसी साल 6 दिसंबर को देश भर में रिलीज होगी। बॉलीवुड 2020 में हम आपको आपके फेवरेट स्टार की हर एक्टिविटी से कराते हैं रूबरू। तो चलिए इस वीकेंड आपके फेवरेट स्टार की हर हलचल से आपको रूबरू कराते हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात फौजियों के लिए बाटला हाउस की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की गई। दूसरी तरफ संडे को स्टार्स मुंबई में फुटबॉल का मजा लेते हुए नजर आए। अर्जुन कपूर और रणबीर कपूर ने फुटबॉल खेला। खुशी कपूर को मुंबई के रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया। किम शर्मा अपने डॉगी के साथ हमारे कैमरे में कैप्चर हुई। ईशा कोपिकर भी लैक्मे फैशन वीक में शिरकत करने से पहले मीडिया से इंटरैक्ट करती हुई दिखाई दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहलवान की स्टारकास्ट फिल्म का प्रमोशन करती हुई मुंबई में नजर आई। सारी अटेंशन सुदीप के चाक रैप करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ आमिर की बेटी ईरा को भी हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित पवन कौशिक ने संडे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें विश किया और बर्थडे पर पार्टी में शामिल भी होने के लिए पहुंचे। चलिए आपको पंडित पवन के बर्थडे की हाइलाइट्स दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन शामिल हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन में। इस मौके पर करणवीर बोहरा, राहुल रॉय, मधुश्री, नवीन प्रभाकर ने शिरकत की। धामे जो है हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। He actually told me to come and meet you, and he speaks so highly and such with good regards. So it's my pleasure कि मैं आया हूँ यहाँ पर। इन सब के अलावा सुनील पॉल, विश्वजीत प्रधान जश्न का हिस्सा बने। Well, पार्टी का नजारा रहा काफी खास और सेलेब्स ने भी बर्थडे में पहुंचकर इस पार्टी को बना दिया और भी ज्यादा खास।